जय हिंद। आज गुडलक मैथिक स्टडी के तरफ से हम दिलीप सर फिर से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित आप लोगों के लिए एक त्रिकोणमिति का जो सिलेबस होता है वो सब भाग लेके आया हूँ। इसमें लगभग हर एक साल देखा जाता है क्या 20 से 25 नंबर रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि छोटी छोटी चैप्टर को तो अच्छे से डिवीजन कर लेते हैं, लेकिन यह एक स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे तरह के अब देखते हुएगा अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले, बहुत सारा कंसेप्ट कैलकुलेशन सबसे मिलकर बना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जैसे वास्तविक संख्या का कुछ जैसे परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग समीकरण ये तमाम चीजें आनी चाहिए, तब जाके आप त्रिकोणमिति को अच्छे से रिकवरी कर सकेंगे। अब तो देख रहे हैं कि जो समस्या है हमारे साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ ये समस्या है कि कोरोना का जो तीसरी लहर है, इस लहर के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये किया कि कोचिंग संस्थान कुछ जो भी है जो जरूरत है उसी के आधार पर पढ़ाया जाए, बाकी बात ऑनलाइन की पढ़ाई की सुविधा होगी। और इस सुविधा के लिए एक आपका जो टॉपिक है त्रिकोणमिति उसका थ्योरी कुछ सा थ्योरी विशेष थ्योरी पढ़ने के लिए जैसे नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए आपको यदि आप 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्णतः थ्योरी आएगी। उसमें प्रत्येक बात कहाँ से आएगा, त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं, कब इसका खोज किया गया, ठीक है, इसका यूज क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, गणित के क्षेत्र में तथा विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रयोग है, ये तमाम बातें जो है आपको अगले साल जो कहने का मतलब 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो देख रहे हैं कि इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं और बहुत जगह जैसे हालांकि बहुत जगह ऐसे मौका मिलता है कि कहीं से सिलेबस खत्म नहीं हो पाया, अगर हुआ तो सही से रिवीजन नहीं कर पाए कुछ कारण, ठीक है, तो कुछ कारण आपका ई क्लास शुरू करना पड़ा। और बहुत दिनों की बात, लगभग 1.5 साल की बात हम फिर से आए हैं, तो बिना अब देरी किए हुए हम लोग चलते हैं। कुछ ऐसे बात है जो हमको समझना चाहिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि जैसे ही थ्योरी जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे, उसका क्वेश्चन किस पैटर्न पर किस आधार पर आता वो नहीं समझ पाएंगे तो हमसे नहीं बन पाएगा। तो पहले ये समझना है कि त्रिकोणमिति अनुपात जो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमिति तो जानते होइएगा कि त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति सबसे मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण ये होता कहाँ है, एक त्रिभुज में होता है, अर्थात त्रिभुज के संबंधित के बारे में हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसका जो टर्म सब होता है जैसे उनकी विशेषताएं, तो उनकी कौन सी त्रिभुज की विशेषताएं होती है, तो वो एक संपूर्ण त्रिभुज में होता है, उसके आधार पर त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में हम कह सकते हैं त्रिभुज संबंधित सभी तथ्यों के बारे में, विशेषता के बारे में हम लोग, या भुजा कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, या संपूर्ण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, यही त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। दूसरी नंबर बात यह है, हमने आपको टॉपिक लिया कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात वह होता है जैसे कि आप संपूर्ण त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम आपको बता देते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज एक
क्या होता है, एक को 90 डिग्री के बराबर होता है, ये देख लीजिए ये 90 डिग्री के बराबर, अब 90 डिग्री के बराबर है यहां पर बनता है थीटा, थीटा को कहते हैं कोण। अब कोण की सामने वाली भुजा जो देखते हैं वह लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है उनको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिनको हाइपोटेनस कहा जाता है, और जो बच जाता है नीचे वाला उसको हम लोग आधार कहते हैं। यहां तक तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये तीन भुजाओं से मिलकर बन गया समकोण त्रिभुज की बात है। उसी प्रकार से ये जो तीनों जो भुजा आप देख रहे हैं लंब आधार कर्ण, इनका कोई ना कोई अनुपात होता है, अनुपात का अर्थ होता है बट्टा होता है, ठीक है, रेशियो होता है, वही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार फिर से देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात वह होता है जिसमें लंब आधार कर्ण का अनुपात होता है, अर्थात लंब आधार कर्ण क्या है, एक भुजा, उन भुजाओं का जो अनुपात होगा वही कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे कि एग्जांपल के लिए लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या लंब बटे आधार, ऐसे बहुत हो सकते हैं। लगभग कितने होते हैं, तो होते हैं छह प्रकार के, छह प्रकार के। अब लंब बटे जो कर्ण देख रहे हैं तो लंब बटे कर्ण का नाम दिया गया है थीटा के साथ, तो उसका नाम होता है साइन थीटा, अर्थात इसको पढ़ सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो यहाँ देख सकते हैं इसको एच कहते हैं, ठीक है, इसको बी कहते हैं, बीएस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर को पी से कहते हैं, यानी प्रत्येक जितने भी कैपिटल लेटर है उनके फर्स्ट लेटर से उनका डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो सूचित कर लिए इसको डिनोट कर लिए, उस आधार पर हम उसको बोल सकते हैं बी बटा एच, ठीक है, आधार को बी बटा एच, लंब को टैन को कह सकते हैं पी बटा बी। उसी प्रकार से इसका अगला जो टर्म है चौथा कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार, इसको उल्टा अगर यदि करते हैं तो एच बटा पी आता है। पांचवा है सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये आपका कोस थीटा को उल्टा है, जब भी उल्टा करते हैं तो एच बटा पी आता है। उसी प्रकार से छठा है cot थीटा, ये tan थीटा का उल्टा होता है और इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब, और इसको उल्टा अगर किया जाए tan का तो b बटा पी आता है, ठीक है। ये सब उल्टा है, यहाँ से नोट आप देख सकते हैं, इसीलिए लिख दिया गया sin थीटा का विलोम, अर्थात उल्टा जो होता है वो cosec थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार cosec थीटा का उल्टा क्या होता है, sin थीटा होता है, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देख रहे हैं cos थीटा, अब देख लीजिए वहां cos थीटा का सूत्र क्या है, तो cos थीटा का ठीक उल्टा होता है sec थीटा, तो सोचिए sec थीटा का उल्टा क्या होगा, cos थीटा होगा। चलिए tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, उसी प्रकार से cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये उल्टा क्यों दिया गया है, उल्टा इसलिए दिया गया कि आपको अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन अगर आपके साथ अगर ये आए कि यदि किसी त्रिकोणमितीय, ठीक है, या किसी त्रिभुज में आपको दो साइड दो भुजा दिया रहे, आपको अगर मान लिया जाए कि उसमें साइन कॉस कुछ भी पूछ सकता है, साइन पूछ दिया, अगर हो सकता है कि अगर कोसेक पूछे, साइन के बाद अगर कोसेक पूछे तो कोसेक फॉर्मूला साइन का ठीक उल्टा होता है, ठीक है, तो साइन से कोसेक निकल जाएगा, उसी प्रकार से कॉस से सेक निकल जाएगा, उसी प्रकार से टैन से कॉट निकल जाएगा, या हो सकता है कि कोसेक से साइन निकल जाए, सेक से आपको कॉस निकल जाए, हो सकता है कॉट से आपका टैन निकल जाए, ये इस प्रकार का ये क्या सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज को समझने की जरूरत है, अगर कोई तीन अगर याद कर लेते, तीन क्या याद करना, साइन कॉस टैन, अगर ये तीनों अगर यदि हमको याद हो जाती है तो ये चार जैसे कोसेक से कॉट इसका मान निकालना हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं छह प्रकार का जो सदस्य था, इन सदस्यों के आधार पर, ठीक है, आप त्रिकोणमिति का पहला चित्र आराम से बना सकते हैं। यदि आपको बेसिकली जो भी कैलकुलेशन है वो आता हो तो आपसे इससे एक चैप्टर बन सकता है, ठीक है। हम बारी बारी से प्रत्येक टाइप बाय टाइप आपका जो भी बोर्ड लेवल का एग्जाम हो
उस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम प्रश्न को हल करेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ये, आगे हमारे पास ये है कि त्रिकोणमितीय कुछ कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कोण के लिए, अब जो था यहाँ पर, अब कुछ कोण के लिए निकाला, यहाँ भुजा के लिए निकाला गया था। भुजा के लिए मतलब लंब आधार कर्म के आधारित पर था, अब कुछ कोण के आधारित पर है। तो कोण क्या होता है, कोण तो कहाँ तक होता है, ये बात हमको जाननी पड़ेगी कि कोण के बारे में। ठीक, कोण क्या होता है आप जानते हुएगा, ये बेसिकली नौ क्लास या जब भी आप लोग पढ़े हुएगा, ठीक है, बेसिकली क्लास में आप देखते हुएगा कि कोण क्या होता है। अक्षों से, अक्षों के जो भी झुकाव होते हैं उसके बीच में जो बनता है वही कोण कहलाता है, कोई भी अक्ष हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी अक्ष का मतलब कोई भी रेखा हो सकता है, ठीक है, या किरण भी कह सकते हैं। तो उनके बीच में जो झुकाव होगा, अब जैसे कैसे झुकाव होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ ये झुकाव आ गया, ये कोण कहलाएगा। तो कोण, कोण के आधार पर हमको पढ़ना है। और हम जानते हैं कि पूरे त्रिकोणमिति में अगर कोण की अगर बात किया जाए तो हम लोग नाइन्थ क्लास में जो पढ़े थे वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में, अर्थात पूरक कोण, संपूरक कोण, जहाँ तक जितने भी कोण के प्रकार हैं 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में पढ़ते थे। लेकिन त्रिकोणमिति में बेसिकली हमको सिर्फ 10 क्लास में 90 डिग्री तक पढ़ना है। ठीक है, हालांकि हम आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि 180 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, 360 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, इजी वे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल हमको ये जानना पड़ेगा 90 डिग्री तक, ताकि इससे क्या हो कि मेरा चैप्टर बन जाए। पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद बेसिकली जो भी नॉलेज आगे लेना होगा वो ले लेते हैं। अब देख रहे हैं 90 डिग्री तक, तो मैंने क्या किया, एक घर बना लिया, उस घर में क्या किया, अनुपात को लिख दिया। अनुपात को हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, अब थीटा यहाँ नहीं लिखा गया, अब थीटा क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि थीटा अभी बताया कि कोण के साथ बदल जाता है। अब थीटा के जगह पर आपका 0 डिग्री आ सकता है, 30 डिग्री आ सकता है, 45 डिग्री आ सकता है, 60 डिग्री आ सकता है, 90 डिग्री आ सकता है। बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि सर साइन थीटा और साइन ए में क्या अंतर है। ठीक है, साइन थीटा और साइन ए में क्या अंतर, देखिए अंतर ये है कि थीटा के जगह पर ए आ गया। ठीक है, तो जब भी साइन का प्रयोग हम लोग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से करते हैं। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से आता है, तो समकोण त्रिभुज से आता है। तो एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में ये बताया जाता है कि ये थीटा है, ये थीटा बेसिकली बेस के आधार पर होता है। ठीक है, यहाँ भी होगा तो वो बेस बन जाएगा। अगर मान लेते कि ये थीटा होगा तो ये हमारा बेस बन जाएगा, मतलब ये आधार हो जाएगा। अगर यहाँ बनता है तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या कि अगर थीटा अगर यहाँ बनता है तो ये आधार हो रहा है। लेकिन एक बात और आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब है, ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, और ये क्या है, आपका आधार था। ठीक, लेकिन ये आपका क्या था, कर्ण था। अब देखिए थीटा यहाँ है तो ये आधार, लेकिन जब भी थीटा यहाँ बनेगा तो ये आपका आधार हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि लंब बदल जाता है आधार में। ठीक, आप जो भी समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लंब आधार में बदल जाता है और आधार लंब में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब बदलता कब है, जब भी कोई भुजा कब बदलेगा, जब वो आपस में बराबर होगा। तो ये यहाँ आपस में ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा इस बात को कि समकोण त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, लेकिन उसको अच्छे से कर दीजिए कि समकोण त्रिभुज नहीं बल्कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिकोणमिति में अगर हम अध्ययन करते हैं तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विभुजा, इसका ये दोनों भुजा बराबर हो गया इसलिए तो बदल गया। तो वही बात हमको देखना है यहाँ। ठीक है, अब देखते क्या है, अब देखते यह है कि जिस प्रकार से कोण बदला तो कोण के आधार पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। अब साइन 0 का मान कितना होता है, इसके लिए हम क्या किए हैं कि दो विधि,
आपके लिए दो मेथड क्या के तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला मेथड ये समझना, आपको एक मान से सिर्फ साइन का मान याद रखना। फिर से याद रखिएगा कि जब भी आपको इस प्रकार के जब भी चैप्टर बनाना हो या जो भी जहां से भी प्रश्न आते हैं वहां से सॉल्व अगर करना हो तो आपको बेसिकली कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। वो बातें यह है कि जैसे साइन का मान हमको याद कर लेना है पहला काम। अगर यदि साइन का मान अगर याद कर लेते हैं तो पूरे मान याद हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि साइन का मान नहीं याद कर पाते हैं तो यहां से आप निकाल लीजिए। ठीक है, अपने हाथ से ट्रिक से निकाल लीजिए। उसी प्रकार से या तो आप दूसरी विधि के मदद से निकाल लीजिए या और भी सारी विधियां हैं उन विधियों के द्वारा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो हम चाहते हैं कि आपको पहली विधि, ये पहली जो विधि आप हाथ यानी फिंगर वाले जो हाथ के जो देख रहे हैं ये पहली वाली विधि, इस विधि से हम साइन का मान निकाल लेते हैं और आप देखते जाइए कि कैसे एक साइन के मान से पूरे मान याद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों को जितनी भी सारी बात मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर यदि नहीं आई होंगी तो थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात ये, हाथ मैंने ये हाथ ले लिया, आप भी अपना हाथ ले लीजिए। ठीक है, ताकि मेरे साथ साथ अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो सीख जाते हैं। ठीक है, ये हाथ लेने के बाद अब देखेंगे क्या ये क्या है। हम लोग बेसिकली जानते हैं अपने ये कंगुड़िया उड़ी है, जैसा कि हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है, ये मध्यमा उंगली है। ठीक है, तर्जनी हो गया, अंगूठा हो गया, इस प्रकार से जो भी उंगलियां है। ठीक है, इस उंगलियां का नाम हम लोग जानते हैं। इनको क्या करेंगे, अपनी हाथों पर, ठीक है, एक पेन से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे इसको मान लेंगे 0 डिग्री, इनको मान लेंगे, थोड़ा सा हंसी आ रहा है बच्चे लोगों को, अच्छी बात है लेकिन सच्चाई यही है, अच्छा सा याद हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 हो गया। अब इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा कोडिंग कर लेंगे। कोडिंग करने के बाद ये जो देख रहे हैं आप इधर, ठीक है, ये हमारा दाहिना है, आपका भी दाहिना होगा। ठीक है, तो दाहिने की तरफ से, ये दाहिने की तरफ से हम क्या करेंगे, अर्थात इसके तरफ से कंगुड़िया की तरफ से हम साइन का मान निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं क्या ये 0 डिग्री था। इस 0 डिग्री के बगल में, इस उंगली के बगल में कोई उंगली है क्या, सिर्फ 5 उंगली होना चाहिए। अब किसी के पास अगर बाय द वे 6 हो तो फिर नहीं हो पाएगा, वो रियल केस की बात हो जाएगी। ठीक है, ये 5 उंगली की बात है, तो इसके बगल में कौन कोई उंगली है क्या, नहीं है, नहीं है तो आप ले लीजिए 0। ठीक है, हम ले लिए, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, जो भी है इसको थोड़ा सा आप लोग नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 0 डिग्री, 0। देखिए इसके बगल में कोई उंगली नहीं था तो मैंने क्या ले लिया, 0। अब 0, 0 है और बगल में इधर काली उंगली गिन ले, कितना उंगली बच गया मेरा शेष, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे। याद रखना एक बात कि 4 से सब में भाग कर देना है, ठीक है, और सब पर रूट चढ़ा देना है। 4 से भाग करना है और रूट चढ़ाना सभी पर। ठीक है, तो देख लिए ये 0 डिग्री था, इसके बगल में कोई उंगली नहीं था। अब जब नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, 0 लिख लिए। ठीक, उसी प्रकार से कितना से भाग करना है, 4 से, तो 4 से भाग कर दिए, सब पर रूट चढ़ा दिए। अब कुछ बात नोट मैंने इसलिए लिख दिया यहां, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि 0 के नीचे कोई भी एनीबॉडी कोई भी संख्या रहे या कोई अंक रहे, कोई भी संख्या रहे, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, उसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से कि संख्या के नीचे 0 रहे तब क्या होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिख दिए हैं 0 का उल्टा क्या होता है, तो अपरिभाषित, या अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक, उसी प्रकार से अगला पॉइंट आप लोग पढ़े हुएगा, ये सब बेसिकली 9th क्लास की बात है, 9th 8th में आप लोग 9th और 8th क्लास में पढ़े हुएगा।
पांचवा क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो संख्या अगर डिवाइड में है, अगर उसके ऊपर अगर यदि रूट है तो होता क्या है कि ऊपर वाला का भी रूट और नीचे वाला का भी रूट, दोनों का रूट हो गया। ठीक है, याद रखना है कि जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, वन का वन होता है, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी होता है, ये बातें याद रख लीजिए। सोचिए इन बातों को प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो जीरो का वर्गमूल कितना हो गया भाई, जीरो, नीचे कितना, चार का वर्गमूल कितना होगा दो, और जीरो के नीचे कोई भी मान अगर आया तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, या जीरो के नीचे कोई भी संख्या इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो का वर्गमूल कितना होता है, जीरो का वर्गमूल देख लिए कि हम लोग जीरो होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो मैंने पहला टर्म ये देखा कि साइन जीरो डिग्री का मान आपका जीरो आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से ये उंगली का काम हो गया खत्म। चलिए इस उंगली को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, बच गया चार उंगली। अब जीरो के बाद कितना था, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का कमाल देखिए, 30 इसको लिख लिए तो 30 डिग्री के लिए निकाला है, तो देखिए कि इसके बगल में दाहिने साइड से इसके बगल में कितनी उंगली है, अर्थात कितनी उंगली की संख्या है। तो देखिए क्या कि इसके लिए 30 डिग्री के लिए इसके बगल में सिर्फ वन उंगली है। ठीक है, तो वन उंगली है तो वन लिख दिए, कितना से भाग करना है, चार से, क्या करना है, रूट चला देना है। अब आपको पता है वन का वर्गमूल कितना होता है, वन होता है, और चार का वर्गमूल कितना होगा, दो होता है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसका भी काम हो गया खत्म। अब देखते चलिए, अब हमारे पास तीन उंगली बचा, अब क्या होता है ये देखना है, ये कितना है भाई, 0 30 तो हो गया, अब ये है 45। 45 के लिए देखेंगे बगल में कितनी उंगली है, इस उंगली को देखिए तो बगल में कितनी उंगली भाई, दो उंगली, इस दो उंगली को है तो दो लिख दी। ठीक है, कितना से डिवाइड देना है, चार से डिवाइड देना, क्या करना है, रूट चला देना। ये करने के बाद देखेंगे कौन सा कैलकुलेशन बेसिकली में दो का दो दो गुना चार, अब रूट वाला करता है तो रूट में, जिस प्रकार से गुना होता है रूट में तो कटेगा तो रूट में, ये सब पर रूट है। तो देख लिए यहाँ बच गया एक और यहाँ आ गया दो, एक का वर्गमूल एक, दो का नहीं निकलेगा 1/2, वही बात यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/√2। ठीक है, अब ये तीन तो हो गया, अब ये है बचा हुआ, अब इसका क्या नाम है, तो मैंने बताया था 0 30 45, इसका हो गया 60। अब 60 डिग्री है, अब इसको निकालने के लिए देख लिए इसके बगल में कितने उंगली की संख्या है, 3, तो लिख दीजिए 3। ठीक है, 3 लिख दिए, कितना से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना, क्या करना, रूट चला दे। अब आप लोग को तो पता है कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का कितना होता, 2, तो √3 डिवाइड, मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब 4 तो हो गया, बच गया कितना, 5। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के लिए बगल में कितने उंगली की संख्या है, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या करना था हमको, रूट चढ़ाना था, रूट चढ़ा दिए। देखेंगे इसको काट कर 1 टाइम में कटेगा, 1 टाइम में कटने के बाद 1 का √1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने देखा क्या कि साइन 0 30 45 60 90 कैसे कैसे वैल्यू निकाला गया उंगली के माध्यम से। इसी प्रकार से आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ट्रिक है आपको याद हो गया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप कभी एग्जाम तक या कभी भी आने वाले समय तक अधिक दिनों तक भूले नहीं। चलिए उसी प्रकार से हम देखते क्या है, साइंस का जो भी वैल्यू निकला है साइंस से निकाल देंगे कॉस का। ठीक है, फिर से देख लेते हैं साइंस का कैसे निकाल लेते, 0 था, कोई नहीं था, 0 था, 4 से डिवाइड करके रूट चढ़ा दिए। दूसरा क्या किए, ठीक है, यहाँ पर देख लिए 30 के लिए 1 उंगली था, 1/4 कर दिए, उसके बाद क्या किए, रूट चढ़ा दिए, वैल्यू निकाल दिए। उसके बाद क्या किए, इसके लिए निकाले 45 के लिए बगल में कितने उंगली, 2 उंगली, 2 लिए, उसके बाद 4 से डिवाइड किए, उसके बाद क्या किए, रूट चढ़ा दिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखते रहिए, यहाँ से क्या किए, ये था 60, बगल में कितने उंगली, 3 उंगली, 4 से डिवाइड किए, रूट चढ़ा दिए, वैल्यू निकाल दिए। उसी प्रकार से 90 कितनी उंगली, 4 उंगली, उसके बाद 4 से डिवाइड किए और रूट चढ़ा दिए।
चलिए इस प्रकार से अब साइन का एक बात याद रखिएगा, उल्टा होता है कॉस, यानी वैल्यू के आधार पर, ये आपको फॉर्मूले के आधार पर वैल्यू के आधार पर, इस वैल्यू के आधार पर साइन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। तो उल्टा कर देंगे, कैसे उल्टा कर देंगे, यह जीरो है, यही तीस है, यही पैंतालीस है, यही साठ, यही नब्बे है, ठीक है। हम जैसे कि गणगुड़िया औरी के साइड से नापे थे, मान निकाले थे साइन का, उसी प्रकार से हम अंगूठे वाले की तरफ से मान निकालेंगे कॉस का, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जीरो है, ठीक है। अब जीरो है तो इसके लिए इसके बगल, अब इनके बगल में देखना है, न कि इनके बगल में देखना है, चूंकि जिधर से वैल्यू निकालते हैं उधर देखना है, क्योंकि हमको याद रखना है कि साइन के लिए वैल्यू जो निकाले थे तो इधर से निकाले थे, तो इसलिए इधर वाले को काउंटिंग किए। अब मान लीजिए कॉस के लिए जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं अंगूठा की तरफ से, तो अंगूठा वाले की तरफ से काउंटिंग करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जीरो डिग्री है, देख पा रहे हैं हम लोग, चलिए यहां से देख लीजिए, जीरो डिग्री है, जीरो के बाद यहां देखेंगे अंगूठा की तरफ से, अंगूठा की तरफ से कितने उंगलियां है, चार, तो ले लिए चार। डिवाइड कितना से करना था, चार से, क्या करना था, दो चलाना था। अब आपको पता है चार चार कटेगा एक कबर में, तो बताइए कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होगा, वन, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये जीरो हो गया खत्म, चलिए अब आते हैं, उसी प्रकार से अब आ रहे हैं तीस डिग्री का, तो इधर से काउंटिंग करना है, याद है अंगूठा की तरफ से, इधर कितने उंगली बच गई, एक दो तीन, देख लीजिए इसके लिए निकाला है तीस के लिए, तो इसको नहीं गिनना, अब हमको इसके बगल वाले को गिनना है, तो इसके बगल वाले को देखेंगे तो तीन उंगली, तो ले लेंगे तीन, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, फोर से, क्या कर देना, रूट चढ़ा देना, रूट थ्री का वैल्यू तो नहीं निकलेगा, चार का निकल जाएगा, तो रूट थ्री बाई टू, ठीक है। उसी प्रकार से अब तो ये तीस आ गया, 45 डिग्री निकाला, कितना उंगली बचा, एक दो, डिवाइड कितना से करना है, चार से, तो दो बटा चार, क्या करना है, रूट चढ़ा देना, इसका वैल्यू अगर निकालने के बाद आएगा तो एक वन बाई टू आएगा, ठीक। उसी प्रकार से अब हम जीरो तीस पैंतालीस निकाले, अब साठ है, काउंटिंग किधर से करना है, अंगूठा की तरफ से, एक है, एक है, अब एक में किससे डिवाइड करना है, चार से, क्या करना है, रूट चढ़ाना, तो वन बाई फोर, और रूट चढ़ा दे, एक का वर्गमूल कितना होता है भाई, एक, और चार का कितना होता है, दो होता है, हो गया। उसी प्रकार से अब 90 डिग्री के लिए आते हैं, क्या इसके बगल में कोई उंगली सा है, ठीक नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। और अनुमतः पांच उंगलियों की बात मैंने बार बार से जिक्र किया, देख लीजिए, तो पांच उंगलियों पर ही आप लोग क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। अब ये इसके बगल में तो कोई नहीं है, अब नहीं है तो देख लिए, नहीं है तो जीरो, ठीक है। कितना से डिवाइड करना है, चार से, क्या करना, रूट चढ़ाना, अब जीरो के नीचे कोई भी जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, अब देख लिए क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन का मान, अब देखते क्या है, एक और तरीका इसी में देख लेते हैं कि साइन के मान से कॉस कैसे निकालते, जैसे ये पहला है तो अंत में जाएगा, ये अंत में पहला आएगा, ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग, पहला है अंत में जाएगा, अंत में है पहला आएगा, ठीक है। दूसरी नंबर बात, तीस है साठ में जाएगा, साठ है तीस में आएगा, पैंतालीस दोनों बराबर होगा, समझ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते। एक और तरीका है, और भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हम जीरो में कितना जोड़ेंगे कॉस वाले, क्योंकि वैल्यू निकालना है कॉस का, याद रहे कॉस का निकालना है, तो जीरो में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, क्योंकि हमको तो 90 डिग्री तो पढ़ना है, तो जीरो में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, 90, इसका वैल्यू 90 के बराबर, ठीक है। उसी प्रकार से 30 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आएगा, 60, तो 60 डिग्री के बराबर, चले आइए 60 डिग्री में चले आए, ठीक है। उसी प्रकार से 45 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आएगा, तो 45 में ऐड करेंगे 45, ठीक, तो ऐड कर दिए, इसका वैल्यू 45 में आ गया, देखिए 60 है, और 60 डिग्री में कितना ऐड करेंगे कि वो 90 डिग्री आएगा, 30 डिग्री, तो 30 में लिख दिए, ठीक। अब आ गया 90, अब 90 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आएगा, तो जीरो, तो जीरो में लिख दिए भाई, 90 का बात जो भी है कितना, 90 का जो भी है ये बात लिखा गया, जीरो में लिखा गया।
तो इस प्रकार से हम साइन कॉस का मान निकाल सकते हैं। अब साइन कॉस का मान निकाल लेंगे तो एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन और कॉस का उल्टा होता है, मतलब साइन और कॉस का जो एक फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला का नाम है टेन थीटा। ठीक है, यहां से हम थोड़ा सा टेन के लिए लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा एक बनता है जिसका नाम है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। और उसी प्रकार से जैसे हम पढ़े हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, तो आपका कॉस होता है, तो उल्टा कर दीजिए तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखना क्या है कि टेन का मान ऐसे निकालते हैं, अब देखेंगे क्या, थोड़ा सा नजदीकी नजर बनाए रखिए। ठीक है, जिस प्रकार से साइन कॉस उम्मीद करते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा, उसी प्रकार से टेन का मान निकालने में आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन ये है, ये कॉस है, बीच में बढ़ता है, तो साइन बढ़ता कॉस क्या बन गया टेन। उसी प्रकार से जीरो बढ़ता वन, तो आपने पढ़ा है कि जीरो के नीचे कोई भी संख्या रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से एक बट्टा दो और रूट थ्री बट्टा टू, दोनों को बटा कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा रॉफ कर लेंगे, रॉफ में देखते हैं क्या वन बाई टू है और रूट थ्री बाई टू है। ठीक है, भाग में संख्या पलटता है हम लोग को पता है, तो दो बट्टा रूट थ्री हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा वन बाई रूट थ्री। उसी प्रकार से अब देखेंगे क्या, ये दोनों सेम है कट जाएगा वन टाइम। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे क्या कि दो दो कट जाएगा तो बच जाएगा रूट थ्री। उसी प्रकार से अब एक है और नीचे जीरो है, तो मैंने लिख दिया था कहीं ना कहीं, देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ संख्या ऊपर रहेगा जीरो नीचे रहेगा, तो उसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, इस प्रकार से टेन का मान निकल गया। अब मैंने पढ़ा है पिछले जो चैप्टर है उस पर ही ये आधारित है। ठीक है, तो पीछे वाले जो भी चैप्टर का जो फॉर्मूला तनी उसी को ध्यान से देख लीजिएगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, और उम्मीद कीजिएगा कि उस चैप्टर का जो भी फॉर्मूला वो आपको याद रहे और उसका प्रयोग आने वाले चैप्टर में जब भी होगा तो वो बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि साइन का उल्टा जो देख रहे थे, यहाँ से कॉसेक थीटा होता है, तो उल्टा का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसको उल्टा कर देंगे तो जीरो के जब भी उल्टा यदि करे, तो यहां से देखते हैं कि जीरो का जब भी अगर उल्टा हम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक का उल्टा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, किसी संख्या का उल्टा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अर्थात उल्टा करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीरो के नीचे नहीं है तो वन है, इसको उल्टा करेंगे तो ये वन बाई जीरो, संख्या के नीचे जीरो तो क्या होता है अपरिभाषित। उसी प्रकार से एक बट्टा दो का उल्टा यदि कीजिएगा तो दो ऊपर जाएगा नीचे एक आएगा दो हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिएगा रूट दो आएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो दो बाई रूट थ्री आ जाएगा, और एक को उल्टा कीजिएगा तो वन भी आएगा। अब कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक का उल्टा कैसे होगा, तो एक उल्टा ऐसे कर दीजिए वन बाई वन है। ठीक है, उस प्रकार से हमको सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा करते चले जाएंगे, कॉट का निकालना है टेन का उल्टा करते जाएंगे। इस प्रकार से जितने भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कि जो मान आप जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो देख रहे थे, 90 डिग्री तक जो देख रहे थे, उन मानों में सिर्फ साइन का मान मेरे लिए इंपोर्टेंट था। सिर्फ साइन का मान अगर आ जाता है तो कॉस का मान आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा तो टेन का आ जाएगा, और ये तीनों अगर आ जाता है तो इन तीनों से कॉसेक सेक और कॉट आ जाता है। ठीक है, दूसरी विधि थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि सर अगर यदि ये विधि अगर नहीं समझ पाए तो दूसरी विधि थोड़ा सा ये कर लेते हैं, आते हैं दूसरी विधि की तरफ। दूसरी विधि ये है जो है आपका है कि सिर्फ साइन के लिए क्या करना है हमको,
सिर्फ साइन के लिए क्या करना है कि 0, 30, 45, 60, 90 ठीक है लिख लेना। उसके बाद काउंटिंग करना है 0 से 0, 1, 2, 3, 4। हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी अंक कौन है, तो 4 था, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, सब पर रूट चढ़ा दिया ठीक है। अब 0 के नीचे कोई संख्या होता है क्या होता है, 0 होता है, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, इसको काटेंगे तो 1/√2 आएगा, इसको नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 4 और 4 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा। सिर्फ cos थीटा के लिए देखते हैं क्या करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 मानना तो वही है जिस प्रकार से आप उंगली में देखे साइन के लिए माना गया उसी प्रकार से मानना है cos के लिए। अब देखना क्या है कि इसको थोड़ा सा उल्टा मानना है, जैसे कि मैंने काउंटिंग साइन को इधर से ले किया था, cos को इधर से किया था, उसी प्रकार से अब जो है ना काउंटिंग थोड़ा अंत करना है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और कितनी है भाई इसमें सब में 4 है, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 आ गया, 4 आ गया, सब डिवाइड करने के बाद रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ाने के बाद 4 का 4/4 का क्या होता है काट कर देख लीजिए, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का 2 निकल जाएगा, इसको काटिएगा 1/√2 आएगा, इसको हल इसको कीजिएगा 1 का 1 आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 0 के नीचे कोई भी संख्या रहता है उसका मान 0 हो जाता है। टैन के लिए क्या करना है, ये टैन के लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, सिर्फ टैन के लिए, देखिए साइन कॉस तो इजी है लेकिन टैन के लिए समझना क्या है, मानना तो वही जाता है 0, 30, 45, 60, 90। अब करना क्या है कि साइन के लिए जैसे हम माने हैं 0, 30, 45, 60 तो उसको काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग करते किसके आधार पर, सिर्फ साइन के आधार पर। याद रखिएगा जिस प्रकार से साइन के लिए हम काउंटिंग किए हैं उसी प्रकार से काउंटिंग करेंगे किसके लिए, टैन के लिए। तो 0, 1, 2, 3, 3, 4 कर लिए। अब क्या किए, जब 4 देखे तो 4 से सब में डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद जो ऊपर वाला रहता है उसी को घटा देते हैं, जैसे यहाँ देख लिए ऊपर में 0 था 0 घटा दिए, यहाँ 1 था तो 1 घटा दिए, यहाँ 2 था तो 2 घटा दिए, 3 था तो 3 घटा दिए, 4 था तो 4 घटा दिए। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, अब इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो 0/4 आएगा ठीक है। अब 0 के नीचे कोई भी संख्या आता उसका मान 0 होता, देख लीजिए 0 ठीक है, 1, उसके बाद 4 से 1 घटाइएगा तो आपको 3 आएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, देख लीजिए 45 का होगा, 4 से 2 घटाइएगा 2 आएगा, 2 से 2 काटिएगा 1 आएगा, इसलिए 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखना है 3 है, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 नीचे नहीं गिराएगा तो काम चलेगा, तो √3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे 4 से 4 जब घटाएंगे तो 0 आएगा, नीचे जब 0 आया तो सीधे मार देना अपरिभाषित, अगर ऊपर 0 रहे तो मार देना है 0 ठीक है। इस प्रकार से आपको आज के जो चैप्टर जो भी थ्योरी थी त्रिकोणमिति का, उन त्रिकोणमिति का जो थ्योरी जो बना है ये सिर्फ जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन छात्रों के लिए है जो कम समय में क्या करें कि इनको याद कर ले, क्योंकि फार्मूला अपने बिहार बोर्ड के जो भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है त्रिकोणमिति, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन कई बार होता है क्या है कि दिमाग में आ नहीं पाता है या फार्मूला इतना है कि मतलब फंस जाते हैं, लगता नहीं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, एक टैन का कितना, एक साइन का कितना फार्मूला, कहाँ कौन से लगाना है, कैसे लगाना है। इसलिए सबसे पहले हमको करना क्या था, सिर्फ थ्योरी पढ़ना था, हमको फार्मूला को देखना था ये आता कैसे है ठीक है। तो पहला था आपका ये वाला जो आप देखे थे साइन त्रिकोणमिति अनुपात के आधारित पर, और दूसरा था आपका मान पर आधारित, एक था भुजा पर आधारित, एक दूसरा है मान पर यानी कोण पर आधारित। ये दोनों से आपका 2 चैप्टर बनेगा ठीक है। अब अगर यदि एनसीईआरटी बनाते हैं तो एनसीईआरटी में आप चले जाइए 8.1, 8.2 ठीक है, या आप क्या करते हैं भारतीय वन या अदर बुक बनाते हैं तो त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर उठाकर देख सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला जितने भी है आप थोड़ा सा कर लीजिए। करने के बाद हम इस दोनों फॉर्मूले को आधारित टाइप बाय टाइप आपको वो एग्जांपल देंगे जो लगभग बोर्ड में ही आता है ठीक है। उम्मीद ये रखिएगा कि आपका जो ये सॉरी बीच में गलती बुला रहा था, 10 मिनट की वीडियो हो गई। तो
तो आज जो भी हम लोग देखे हैं त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी बुक के माध्यम से 8.1 8.2 का जो मुख्यतः जो थ्योरी था वो तो थ्योरी मैंने दिया एग्जाम बेसिस के आधार पर। अब इस पर देखना हमको क्या है टाइप बाई टाइप एग्जाम पर कि इस पर किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग, हमको करना क्या होगा, हमको ये करना होगा कि ये थ्योरी जो है आपको याद कर लेना होगा, ठीक है, और उस टाइप पर आपको क्या करना है प्रत्येक सवाल को बनाना है। तो आप 8.1 8.2 अगर एनसीईआरटी बुक पर करते हैं तो 8.1 8.2 बुक को क्या कीजिएगा थोड़ा सा देखिएगा, आपको प्रत्येक एग्जाम्पल का सोल्यूशन हम यहाँ पर से देंगे जो आपको बोर्ड लेवल में ही रहता है उस टाइप से ही रहता है, और उस टाइप से पढ़ लेने के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटने का जो चांस बनता वो नहीं रहेगा, एक बुक भी बन जाएगी। दूसरी बात एक एग्जाम का जो भी तैयारी जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर टाइप क्या है और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका थ्योरी क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूरे मैथ का, ठीक है, पूरे मैथ का यहाँ से गुडलक मैट्रिक स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको रिवीजन कराया जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं।